हेलो फ्रेंड्स, मधुज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ गोभी साफ़ करने का सही तरीका बता रही हूँ। ऑफ सीजन में तो गोभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब मिलता है। आप देख सकते हैं गोभी बहुत ज़्यादा गंदी है। अगर गोभी साफ़ मिलता है तब भी उसमें बहुत सारे कीड़े कीटाणु रहते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक एक इसका फूल तोड़ लेते हैं और इसे दो तीन बार पानी से धो लेते हैं। उसके बाद जो रेसिपी बनाना हो बनाते हैं। लेकिन ये गोभी साफ़ करने का सही तरीका नहीं है। गोभी के तोड़ के मैंने अच्छी तरह से इसे देख लिया है कोई कीड़े उड़े ना हो। उसके बाद इसे एक बड़े से बर्तन में डालेंगे और इसे मैं दो तीन बार पानी से धो लूँगी। लेकिन धोने से भी ये साफ़ उतने नहीं होते हैं। अब देखें कि गोभी बहुत ज़्यादा गंदा है, तो मैंने गैस पे भगोने में आधा भगोना पानी रखा है। पानी के गर्म होते ही मैंने आधा चम्मच नमक डाला है। अब इसमें गोभी को डालेंगे। अगर गोभी साफ़ है तो एक मिनट बॉयल करें, साफ़ नहीं है तो डेढ़ दो मिनट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बॉयल करना है। तो गोभी ज़्यादा गंदा था इसलिए मैंने एक चम्मच इसमें विनेगर डाला है। विनेगर की वजह से ये गोभी अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। तो मैंने इसे विनेगर डालने के बाद डेढ़ मिनट तक बॉयल किया है। गैस को ऑफ कर देंगे और गोभी को इसमें से निकाल लेंगे। विनेगर नहीं है तो आप इसकी जगह पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दें, इससे भी गोभी साफ़ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं डेढ़ दो मिनट में ही हमारे गोभी कितना साफ़ हो चुका है। गोभी बहुत ज़्यादा गंदा था। तो आप इस तरह से एक बार साफ़ करके देखिएगा, डिफरेंस आपको खुद नज़र आएगा। और जो गोभी बॉयल करने के बाद जो पानी बचा है ये देखिए कितना गंदा है, क्योंकि दो तीन मास धोने के बाद मैंने बॉयल किया था। तो मुझे उम्मीद है आप सबको हमारी ये गोभी साफ़ करने का तरीका अच्छा लगा होगा। तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।